दोस्तों, आज की इस टेक्निकल वीडियो सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज CMS, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। आपने सुना होगा नाम, जैसे वर्डप्रेस है, जूमला है, ड्रूपल वगैरह, ऐसी अलग अलग CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सुना होगा। तो एग्जैक्टली ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसका यूज़ क्या है, आप कैसे उसे यूज़ करते हैं डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली, वो सब जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब भी वेबसाइट की या तो फिर इंटरनेट की पोर्टल की कोई भी बात आती है तो पहला एक वर्ड सामने आता है और वो है CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम एग्जैक्टली देखते हैं कि ये CMS है क्या, क्योंकि आपने कभी कभी ये वर्ड सुना ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बिजनेस के लिए या तो फिर पर्सनल ब्लॉग की कोई वेबसाइट वगैरह बनाने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे उसे बनानी है, तो किसी डेवलपर से वो बनवाते हैं, तो वो आपको बताता है कि इसके लिए हमें CMS यूज़ करनी होगी, या तो फिर वर्डप्रेस यूज़ करना होगा, या तो फिर जूमला, या तो फिर ड्रूपल वगैरह। ई कॉमर्स के लिए जनरली कुछ मैगेंटो वगैरह जो भी होता है वो यूज़ होता है। तो वहाँ पर ये CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड्स पिक्चर में आता है। तो एग्जैक्टली ये CMS होती क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, मान लीजिए आपको अपना एक ब्लॉग शुरू करना है, तो आप ब्लॉग शुरू कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको एक वेबसाइट बिल्ड करनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टेक्निकल चीज़ पिक्चर में आती है, आपके डेटा कहाँ पे स्टोर हो गए, जनरली डेटाबेस में स्टोर होता है, कैसे डेटा डिस्प्ले हो गए, उसका लुक कैसा होगा वगैरह वगैरह। और बाद में आप उसे कोई अगर उस जैसे ब्लॉग होता है तो नया आर्टिकल डालना पड़ता है, जैसे कोई ई कॉमर्स साइट अगर आप बनाते हैं तो उसमें नई प्रोडक्ट डालनी पड़ती है, तो आप वो प्रोडक्ट कैसे डालेंगे, बार बार तो डेवलपर को बोलेंगे नहीं कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं डाल दो। तो उसके लिए क्या होता है, एक CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनानी पड़ती है। वो वेबसाइट जो दिखती है पब्लिक को वो तो फ्रंट एंड है, लेकिन उसके बैक एंड में भी एक इंटरफेस होता है, वहाँ पे आप लॉगिन करके वहाँ पे सारे डेटा डाल सकते हैं। जहाँ वहाँ पे आप जो भी डेटा डालेंगे उसे पब्लिश करेंगे तो वो पब्लिकली सब लोगों को वो देखने मिल जाएगा। तो CMS का जनरली रोल ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो वाया CMS उसे मैनेज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जनरली वर्डप्रेस, जूमला वगैरह क्यों पिक्चर में है, उसकी क्या ज़रूरत है। अगर कोई नॉर्मल PHP डेवलपर होता है तो वो खुद डेवलप नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है अपने हिसाब से CMS। लेकिन उसमें होता क्या है कि कंप्लीट अगर CMS डेवलप करने जाए तो उसका जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है, उसका जो टाइमिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो भी फीचर्स वगैरह जो होता है हर एक डेवलपर अपने हिसाब से अगर वो अलग 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 डेवलपमेंट करने जाए तो सबको एक जैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी, सबको एक जितना ही टाइम देना पड़ेगा इतना एक्सपेंसिव सबको लगेगा। और अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर वेबसाइट बनानी है, उसकी ये पर्टिकुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है, और हम अपने हिसाब से एज ए डेवलपर वो डेवलप करने जाएंगे तो उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो क्लाइंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ ओपन सोर्स मार्केट के अंदर कुछ कम्युनिटी ने मिलके ये पर्टिकुलर CMS बनाई। फॉर एग्जांपल PHP MySQL बेसिस पे ये वर्डप्रेस जो है आजकल बहुत पॉपुलर है, तो उसके अंदर होता क्या है कि जो पूरा इंजन हम बोलते हैं, CMS एक इंजन है, तो जो इंजन है वो ऑलरेडी डेवलप किया गया है, तो पूरी वर्डप्रेस व्यू ले लेते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर उसे सेटअप करना होता है, और बाद में लुक एंड फील के लिए उसकी एक टेम्पलेट होती है, हम उसे थीम भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट तो जनरली एक पेज की होती है, लेकिन पूरी थीम के अंदर क्या होता है, वो भी कुछ फ्री मिलती है, कुछ पेड मिलती है प्रोफेशनली। तो अगर हम उसके अंदर वो थीम एक्टिवेट कर देते हैं तो जो लुक एंड फील है वो हमारे हिसाब से मिल जाएगा, यानी थीम के अंदर जो भी लुक हमें चाहिए उसके हिसाब से हमें थीम खरीदनी पड़ती है, उसमें एक्टिव करनी पड़ती है। तो जैसे आपने देखा कि ये जो वर्डप्रेस है वो कम्युनिटी के थ्रू डेवलप की गई एक CMS, यानी एक वर्डप्रेस नहीं, वर्डप्रेस जुमला जितने भी CMS वगैरह है वो कम्युनिटी के थ्रू डेवलप की गई होती है। उसकी वजह से उसमें क्या होता है, बग वगैरह जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे रिपेयर होते रहते हैं। तो क्या होता है, हमें सिर्फ अपना वर्जन ही अपडेट करना होता है, हमारी जो वेबसाइट होती है, ब्लॉग होता है, उसमें हम वर्जन अपडेट कर देते हैं, हमें वो पर्टिकुलर पैच मिल जाता है। दूसरा, फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता डेवलप करने के लिए, थीम लेके उसे एक्टिव कर दिए। तो उसके लिए ये सारी CMS पिक्चर में आती है, और हम अपने हिसाब से जो भी कंटेंट वेबसाइट में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे ही डाला, पब्लिश किया, पब्लिक के सामने वो आ गया, बार बार हमें कंटेंट अपडेट करना हो तो डेवलपर को कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप कोई भी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं, कोई भी ब्लॉग देखते हैं, कोई भी वेबसाइट वगैरह देखते हैं, अगर वो डायनामिक वेबसाइट है, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपको नहीं पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। अगर वो डायनामिक वेबसाइट है तो उसमें किसी टाइप की ये CMS
यूज़ की ही गई होती है। अगर CMS यूज़ नहीं की है तो शायद हो सकता है कि कस्टम बिल्ड की हो पूरी कंप्लीट CMS। अगर बहुत बड़ी कंपनी है उसे कोई स्पेशल टाइप की CMS चाहिए तो उस केसेस में वो जनरली स्पेशली बिल्ड करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये जो जनरल न्यूज़ पोर्टल वगैरह होती है, ब्लॉग वगैरह होती है, उसके अंदर ये मोस्ट ऑफ ये वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी टाइप की CMS ही यूज़ की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।